कम खाया करो, धूप में मत निकलो या धूप में निकला ना करो, बोलो। सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, राइट। सेकेंड पार्ट इज दिस, आप बोल सकते हैं कि यहां पे दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं। इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल इट क्लॉज, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज बोलते हैं बाबू। तो फर्स्ट क्लॉज इज दिस एंड सेकंड क्लॉज इज दिस, मींस फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, सेकंड सेंटेंस। लेट्स सी हाउ, बोलो हाउ सर। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब हाईलाइट किया है, बोलना, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, बोलना, और यहाँ पे क्या है, नाराज होना। तो अब जब आप जान गए कि सेंटेंस में दो वर्ब हैं, तो ऑफ कोर्स दो एक्शन हो रहा है, तो करने वाला भी दो, या हो सकता है एक ही बंदा हो। लेट्स सी, एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, कम बोला करो, बोली जल्दी, कम बोला करो, कम खाया करो, धूप में निकला मत करो। आपको थीम क्या समझ में आ रहा है, थीम क्या है इसमें, थीम जल्दी बताइए क्या है। सजेस्ट कर रहा हूं मैं कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या ऑर्डर दे रहा हूं आपको, करेक्ट। इस तरह के सेंटेंस में देखिए थीम आता है ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, क्या आएगा बाबू, रिक्वेस्ट का। या मैं बोला बेटा समय से आया करो, क्या बोलूंगा, समय से आया करो, डेली एक्सरसाइज किया करो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, और इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्देश। ये भी एक तरह का ऑर्डर है, ये भी एक तरह का ऑर्डर है। ऐसे सेंटेंस, बड़े चीज देखिए, ऐसे सेंटेंस में देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बोला कम बोला करो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। मैं किसी का नाम ले रहा हूं, कोई करने वाला नहीं है, लेकिन आप खड़े होंगे, आप बैठ जाएंगे। मैंने बोला ध्यान से सुना करो, लिसन अटेंटिवली। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब पहले आता है, क्या आता है, वर्ब। आपने अभी तक कोई ऐसा सेंटेंस देखा जिसमें सेंटेंस की शुरुआत ही किससे हो, वर्ब से, नहीं। ऐसे स्पेशल सेंटेंस को हमने नाम क्या देना है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश की दुनिया में बच्चों ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप हिंदी समझ जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, हिडन, बोलो, छुपा होता है बच्चों, हिडन होता है, होता है। मैंने बोला ना स्टैंड अप, आप तुरंत खड़े होंगे, आप क्या करेंगे, खड़े होंगे, स्टैंड अप। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिखता नहीं लेकिन छुपा होता है, हिडन होता है। उनका थीम क्या होता है, बोलो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन। उनमें यही एक्शन होता है, यही थीम होती है। लेट्स सी हाउ, अब इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने बता दिया, किससे स्टार्ट होते हैं, वेरी गुड, बोलिए, स्टार्ट्स विद वर्ब, वेरी गुड, स्टार्ट्स विद वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको बना देते हैं हम जल्दी से, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अगर इसमें नेगेटिव लगाना होगा तो बस इसी के आगे हम लगा देंगे डू नॉट, क्या लगा देंगे, डू नॉट। मैंने बोला तेजी से बोलो, स्पीक लाउडर, बोलो, स्पीक लाउडर, लेकिन मैंने बोला तेजी से मत बोलो, तो क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक लाउडर। बहुत आसान है, बस समझने का आपका। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, कम बोला करो। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, बोलो, स्पीक लेस, स्पीक लेस। दूसरा सेंटेंस है, कम खाया करो, क्या हो जाएगा, खाने पीने के लिए क्या लगेंगे, टेक, बोलो, टेक लेस। अब तीसरे सेंटेंस मैंने जानबूझ के देखिए नेगेटिविटी ला दिया कि धूप में मत निकला करो, निकला, निकलना का मतलब क्या, गो आउट, चलिए लगा देते हैं, डोंट गो आउट, बोलिए, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। देखिए सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिए, देखिए हमारा मेन स्ट्रक्चर आज का ये नहीं है, अभी देखिए हाफ पार्ट सेंटेंस का बचा हुआ, मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि आज का मेन स्ट्रक्चर हमारा वही है। इतना थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपके पास भी होगी, गेट आउट, शट योर माउथ, राइट, कम हियर, राइट, लीव मी अलोन, राइट। ये सब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, ऑर्डर, भाई जाओ यहां से, गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन
अब जैसे मैंने बोला कम खाया करो, कम खाया करो, कहीं मोटे ना हो जाओ। अब यहाँ पे एक चीज आपको सेकंड क्लास में समझनी है, कहीं ऐसा ना हो जाए। बोलिए कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कहीं, माय डियर प्रताप दिस पोर्शन इज विजिबल नॉट, ओके नो, कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, कहीं मोटे ना हो जाओ, बोलिए कहीं मोटे ना हो जाओ, कहीं सर नाराज ना हो जाए, कहीं लू ना लग जाए। तो यहाँ पे मेन जो थीम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो, क्या हो जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो। स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी हाउ। इसके लिए बाबू लगता है लेस्ट, क्या लगता है लेस्ट, और लेस्ट के साथ हमेशा आएगा सुड, क्या आएगा सुड। अब सुड आ गया तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सुड के साथ हमेशा वर्ब का, वेरी गुड। सुड जैसे ही आएगा उसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट, और मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है लेस्ट सुड। दिस पार्ट इज विजिबल मिस्टर प्रताप, वेरी गुड। चलिए हम बना लेते हैं, अपने फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला लिखा है, सेकंड पार्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट लेस्ट। सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा, सॉरी लेस्ट पहले आएगा, आई बेग योर पार्डन, लेस्ट प्लस सुड सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया टोटल फॉर्मूला फॉर दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने बताया था सेंटेंस में क्या है, दो पार्ट हैं, एक पहला छोटा वाला इंपरेटिव है और दूसरा वाला क्या है सेकंड पार्ट है, जिसको मिला के हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं। कहते हैं ना बेटा समय से दवा खाया करो, कहीं फिर से बीमार ना हो जाओ, रेगुलर एक्सरसाइज किया करो, कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो ऐसे बहुत ढेर सेंटेंस हम लोग को सुनने को मिलता है, तो इसको बनाते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं, कम बोला करो, ये पार्ट हमने कर लिया है। बोलो स्पीक लेस, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं लेस्ट। अब देखिए कुछ बच्चे हम पढ़ाते हैं जिसको क्या बोलते हैं लिस्ट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं लिस्ट, प्लीज लिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन लिस्ट नहीं है, क्या है लेस्ट। मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा ल पे एक ही मात्रा आधा सब, ऐसे बोलना है लेस्ट, बोलिए लेस्ट, लेस्ट। हाँ तो लिस्ट मत बोलिए ना, लिस्ट मतलब वन टू थ्री वन हो जाए, तो बोलिए लेस्ट लेस्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप ही से बात कर रहा हूं तो यू हो गए, सुड लगा देते हैं, यू सुड बोलिए, नहीं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट कौन है सर है, तो सर लिखिए लेस्ट सर, सुड बोलिए सुड। अच्छा नाराज होने की इंग्लिश क्या होगी, डिसअपॉइंट मींस निराश होना, गेट डिसप्लीज्ड क्या होता है, गेट बोलो गेट, गेट डिसप्लीज्ड, आप एनोइड भी लिख सकते हैं, गेट एनोइड, डिसप्लीज्ड बोलिए, स्पीक लेस लेस्ट सर सर, सुड सुड, गेट displeased, इसके जब मैंने एक वर्ड और बोला क्या annoyed, आप लिख सकते हैं get annoyed, A-N-N-O-Y-E-D, दोनों का मतलब है नाराज होना, गुस्सा होना। आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस, मैंने बोला है कम खाया करो कहीं मोटे ना हो जाओ, टेक लेस, उसके बाद फॉर्मूला का पार्ट लिखिए लेस्ट बोलिए लेस्ट। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी से, सब्जेक्ट दिख नहीं रहा लेकिन वो हिडन है, मैं किसी ने किसी को बोल रहा हूँ या आप अपने फ्रेंड को ऐसे बोलते हो भाई कम खाया करो कहीं फट ना जाओ, तो लेस्ट बोलिए लेस्ट, यू सुड सुड। अब बताइए मोटे होने की इंग्लिश क्या होती है, गेट फैट, यू सुड गेट बोलिए गेट फैट, या मैंने आपको फ्रेजल और बताया है You should get put on. बोलो सॉरी गेट नहीं लगाएंगे, यू शुड पुट ऑन, ठंडी में क्या होता है हम लोग ढेर सारे कपड़े पहनते ना, वहां पे पुट ऑन ढेर सारे से हेल्दी लगने लगते, तो वही फ्रेज बन गया। टेक लेस बोलो, लेस्ट यू शुड गेट फैटी, गेट फैटी या गेट फैटी की जगह क्या लगा सकते हैं, यू शुड पुट ऑन। याद रखिएगा लेस के साथ कोई दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ शुड आएगा, सिर्फ सुड आएगा, लेस के साथ क्या आएगा सुड, और सुड आएगा सुड के साथ कौन सा क्रिया वर्ब का, ये मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर या ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, उसमें दो ही चीज याद रखना है बेटा, क्या बोलो व्हाट,
ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मीन शब्दों का क्रम, के सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, वर्ब कहाँ आ रहा है, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बोलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ब फॉर्म। अब उस स्ट्रक्चर में वर्ब का फॉर्म कौन सा लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको क्या बता रहा हूं मैं बार बार, वर्ब फर्स्ट, बोलिए क्यों, बोलिए वाई क्यों, आप बताइए, क्योंकि सुड लग रहा है, लेस्ट के साथ हमेशा सुड लगाएंगे, आपका मन करेगा मे लगा दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेस्ट के साथ मे लगा हुआ मिलेगा, तो आपको करेक्ट क्या करना पड़ेगा, सुड। ये है क्या पता है आपको, जब दो छोटे छोटे सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, वेरी गुड, इसलिए लेस्ट कंजक्शन है, लेस्ट किसका काम कर रहा है, सीमेंट का वर्ब, इसलिए ये क्या है, कंजक्शन है, बोलो ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शन, कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो अभी हम जब डिटेल में पढ़ा स्पीच पढ़ेंगे तो आपको सब ढेर सारे कंजक्शंस पढ़ाएंगे, बट ये स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने कहा इसको पढ़ा देते हैं। तो फिर से बोलते हैं, टेक लेस, लेस्ट, यू शुड गेट फैटी, आइए चलिए धूप में चलते हैं, विटामिन डी लेते हैं भाई थोड़ा, डोंट गो आउटसाइड, बोलिए डोंट गो आउटसाइड, लेस्ट, लेस्ट कामा नहीं रहेगा क्योंकि कंजक्शन है तो कामा की जरूरत नहीं है, लेस्ट, इज इट विजिबल, लेस्ट, कौन धूप में जा रहा है, आपको अच्छा कहीं लू ना लगे, मतलब आपसे ही बोला जा रहा है, लेस्ट यू शुड, अच्छा एक बात बताइए, लू लगना मतलब लू को सफर करना, सफर वर्ब आ गया एस यू डबल एफ ई आर, और लू की इंग्लिश क्या होती है भाई, स्ट्रोक, वेरी गुड, सनस्ट्रोक, अच्छा किसको उसको पता था सनस्ट्रोक, हाँ उठाइए रेज योर हैंड्स, नहीं पता था कोई बात नहीं आज से सीख लेते हैं, सन स्ट्रोक, यू शुड सफर सन स्ट्रोक। चलिए अब तीनों सेंटेंस बोलते हैं, स्पीक लेस, लेस्ट, सर शुड गेट एनॉयड, सर शुड गेट डिसप्लीज्ड, टेक लेस फूड, फूड मैंने ऐड नहीं किया, अंडरस्टूड है, टेक लेस फूड, लेस्ट, यू शुड गेट फैटी, डोंट गो आउटसाइड, कहीं लू ना लग जाए, करेक्ट, लेस यू शुड सफर सनस्ट्रोक। अब एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, जरा बोल के दिखाओ आप लोग, रेगुलर न्यूज पेपर पढ़ा करो, कहीं वर्ड्स भूल ना जाओ, read newspaper regularly, lest you should forget, अब देखिए forget में आर का pronunciation नहीं करें, forget vocabs, daily class attend किया करो, कहीं course ना छूट जाए, attend the class regularly, बोलो lest You should miss flavors, miss the course, miss the program, miss the class. Once more, I'm gonna focus. एक बार फिर से जल्दी से structure revise करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे structure clear हो गया ना, the things will be smoother, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी. How long is the video, my friend? 14 minutes. Thank you so much. Clicking. Just after 2 minutes, you can stop the. क्लास राइट, बिकॉज आई एम गोना रिवाइज, देखिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ, रिवीजन है कि भाई देखिए पहला पार्ट इंपरेटिव है, इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में क्या आता है, जल्दी बोलिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट छुपा होता है, होता जरूर है लेकिन छुपा होता है, बोलते भी नहीं, मैंने बोला गेट लॉस्ट निकलो, मैं आप ही से बोल रहा हूँ लेकिन आपका नाम नहीं लिया, तो इसलिए उस सेंटेंस में क्या पहले आता है, वर्ब, फॉर्मूला लिखा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर मान ने बोला बेटा मत जाओ तो क्या हो जाएगा, डोंट गो आउटसाइड, अगर नेगेटिव लगाना है तो बस V1 के पहले क्या लगा देंगे, डू नॉट, और दूसरा पार्ट है कम बोला करो, कहीं सर नाराज ना हो जाए, तो इसमें देखिए हर जगह आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मोटे ना हो जाए, तो उसके लिए हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लेस्ट शुड, मैंने लिखा है कहीं ऐसा ना हो जाए तो लेस्ट शुड यूज करना है, और लेस्ट के साथ शुड आ रहा है इसलिए हमेशा क्या होगा वर्ब फर्स्ट, स्ट्रक्चर पर ध्यान दे देते हैं, लेस्ट
प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, फिर एज यूजुअल शुड के साथ क्या आएगा हमेशा वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी चीजें जो आती हैं अदर वर्ड्स आप लिखिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरे ना हो जाओ, मतलब सांवले ना हो जाओ यार, समझो। तो अब एक सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर दीजिए, फिर मैं समझू कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आई एम डैम श्योर दैट यू गॉट 80-90 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बट एक सेंटेंस और कर लेते हैं। कम खाया करो, बोलो स्पाइसी फूड कम खाया करो, मसालेदार कम खाया करो, कहीं लीवर ना खराब हो जाओ। डोंट चीट, अब देखो मैंने नहीं बोल दिया ना कि कम खाया करो, मत खाया करो, या कम खाया कि मत खाया, कम खाया करो, तो क्या हो जाएगा, ईट लेस स्पाइसी फूड, लेस आपका लीवर खराब ना हो जाए। यू शुड स्पॉइल लीवर, एक और बनाते हैं, ज्यादा तेज मत दौड़ो, कहीं गिर ना जाओ। Good job. Thank you so much for your great cooperation. Keep on watching, like, share, and subscribe.